नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आयुषी शर्मा। हेडलाइन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों। जन सहयोग सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा बाल विहार में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में वार्ड 19 के रहवासियों ने वैक्सीन लगवाई। बबलू ओशाब द्वारा किए गए इस कार्यक्रम में लोगों में बड़ा उत्साह रहा है। वार्ड 19 में बबलू ओशाब द्वारा जनहितैषी कार्य के चलते लोगों ने वैक्सीनेशन में भी अपना विश्वास दिखाए। बबलू ओशाब के नेतृत्व में बाल विहार पर टीकाकरण अभियान के तहत लोगों को वैक्सीनेशन किया गया। पुराने शहर में चूँकि लोगों में झिझक रहती है, लेकिन ये बबलू ओशाब जी का प्रयास है, उनकी अपनी एक जनता की इच्छा भी है कि बड़ी संख्या में लोगों ने आके वैक्सीनेशन लिया। हमने इस बारे में बबलू ओशाब जी से बात की। आज ये जो महाअभियान कैंप लगाया गया है वैक्सीनेशन का, वो काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि लगवाऊं, लेकिन वक्त नहीं मिल पा रहा था। लेकिन फिर मुझे शासन प्रशासन की तरफ से आदेश हुआ कि आप भी थोड़ा सहयोग दें। मैंने कहा मेरा पूरा सहयोग रहेगा आप लोगों के साथ, तो इसलिए आज वैक्सीनेशन का कैंप यहाँ पे बाल विहार में लगवाया। क्योंकि हमारा वार्ड नंबर 19 के अंदर मैक्सिमम लोग रह गए, कुछ हिचक की वजह से नहीं लगवा रहा है, कुछ डर के मारे नहीं लगवा रहा है। लेकिन जब आज उन्हें पता चला कि मेरे द्वारा ये कैंप का आयोजन किया गया है, तो उनके अंदर की झिझक कम हुई, ख़त्म हुई, तो वो आए और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आके आज लोगों ने अपना नए डोज भी लगवाया, और पुराने जो जिनका इनकम्प्लीट था उन्होंने अपना सेकंड डोज भी लगवाया। और धन्यवाद भी कह के गए मुझे कि हमने आपकी वजह से हमने लगवाया, तो हम लगवाते हैं। आप जनता के बीच काफ़ी काम करते रहे, जनता का जो विश्वास आपने जीता इतने वर्षों में, उसी का परिणाम हुआ कि जनता इस पर भी आप पर विश्वास कर सकती। जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं कि मैं पूरे टाइम जनता के बीच रहता हूँ, उनकी परेशानियों में खड़ा रहता हूँ, और आधी रात में भी किसी का फ़ोन आता है या कोई ज़रूरत होती है तो मैं फौरन तत्पर रहता हूँ कि उनकी किस तरीके से किस प्रकार से मदद कर सकूँ। तो वही उसी का कारण कहूँगा मैं, ऊपर वाले का कर्म कहूँगा कि लोगों के दिल में मेरे लिए एक अच्छी बात है कि मुझे देख के लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया। मैं उनका, अपनी जनता का, अपने वार्ड वासियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ अपनी ओर से, अपनी टीम की ओर से, अपनी संस्था की तरफ से। और आगे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग और रह गए हैं वो भी अपना वैक्सीनेशन लगवाएँ, टीका लगवाएँ, और आने वाली जो तीसरी लहर है वो बहुत ख़तरनाक है, ख़ासतौर से बच्चों की भी हिफाजत करें, बच्चों पर ज़्यादा असर कर रही है, और टीका लगवा के अपनी और अपने परिवार की हिफाजत करें। और बस यही कहना चाहूँगा। सर, अभी कितने बच्चे हैं, मतलब कितने लोगों को लगा चुके हैं? अभी तक लगभग 75-80 हो गए हैं, और अभी आधा एक घंटा हो गया है। सुबह से मौसम भी गड़बड़ हो रहा है, घर का काम भी रहता है, घर का काम भी रहता है, इतवार भी है कोई, लेकिन कई लोग कहीं जाने वाले थे तो मेरी वजह से आज रुक गए थे कि नहीं, हम पहले वैक्सीन लगवाएंगे फिर अपने कामों पर जाएंगे। तो 100 क्रॉस उम्मीद है कि हो जाएगा। इतने दिनों से नहीं लगवाए डोज, आज आप कैसे लगवाए? जरूरी था लगवाना जी, तो लगवाना है तो लगवाना। अच्छा, इसका सहयोग कैसा रहा है? और महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि देर ना करें, लगवाना है तो जल्द लगवाएं। इस डोज के बाद में आपको परेशानी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल सब ठीक है।